थाना हर्षविहार सबोली गांव में 26 वर्षीय एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गौरतलब है कि सबोली गांव में एक 26 वर्षीय महिला की हत्या हो गई, जिसका मामला सामने है। ससुराल वालों पर ही दहेज के लिए उसकी हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय मृतिका को पीट पीट कर हत्या कर दी गई, वहीं उसका गला दबाकर मारने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम का इंतजार है। दूसरी ओर मृतिका के पिता ने बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। पूरा मामला सबोली गांव के हर्षविहार थाना क्षेत्र का है, जहां सबोली गांव में एक साल पहले ब्याही 26 वर्षीय मृतिका जो कि जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी, ससुराल वालों पर ही उसका जो हत्या है आरोप लगा है। यही नहीं, आशंका जताई जा रही है कि मृतिका का गला घोटकर हत्या की। हालांकि पुलिस को अभी पोस्टमार्टम का इंतजार है। इस मामले में मृतिका के पिता गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र रानी गार्डन निवासी वीर सिंह प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतिका के पिता वीर सिंह ने बताया कि एक वर्ष पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी सबोली गांव निवासी टीनो के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले और दहेज की मांग कर रहे थे, इतना ही नहीं प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार की दोपहर को उसके पति देवर ननद सास ने मिलकर पहले बहरेमी से पिटाई की और उसके कथित रूप से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सारी जानकारी रिश्तेदारों के लोगों को दी गई, नामजद किए गए। वही मृतिका के पति तीनों के साथ साथ देवर सास ससुर ननद का भाभी नाम शामिल आया है, जिसपे FIR दर्ज है और लोग वारदात करके फरार हो गए हैं। अब पुलिस उनकी जांच कर रही है। मेरे को पता लगी थी, मेरे बुआ के लड़के से पता लगी थी कि ऐसे ऐसे सीढ़ियों से गिर गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब हम वहाँ पे पहुंचे हॉस्पिटल, तो उसके घर वाले, उसका हस्बैंड, मेरी सिस्टर का हस्बैंड, उसका देवर, उसकी नंद और उसके ससुर वहाँ पे उसे मरी हालत में छोड़ के गए थे। गला दबा के उसकी मौत की गई थी। इसके ससुराल वाले कहाँ चले गए थे, मौके पर थे नहीं क्या? उसके ससुराल वाले हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे उसे, फेंक के ऐसी वो लेके आए थे उसको। और जब हमें बुलाया गया तो वहाँ पे वो मरी हुई थी, डेड थी बिल्कुल। और जैसे ही वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इसकी MLC वगैरह होगी या फिर इसका जांच होगा, तो वो सारे भाग गए थे वहाँ से। अभी कहाँ है ससुराल वाले, कुछ पता है? सारे फरार है जितने भी हैं। कहाँ रहते थे ये, कहाँ का मामला है? ये सबोली गाँव का। इसमें पुलिस वालों का क्या कहना है और आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। एक एक को छोड़ू वाली मेरी लौती बहन थी, खत्म कर दूंगा सबको। अच्छा, कुछ ससुराल वालों की मांग भी रहती थी क्या किसी चीज को लेकर? स्टार्टिंग से लेके एंड तक मांग थी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। गाड़ी चाहिए, इनफैक्ट हमने 25 लाख रुपए शादी में लगा दिए थे, उसके बाद भी और चाहिए। टॉर्चर किया जाता था बहन को एनी टाइम, और बहुत ही ज्यादा परेशान थी। एंड ऑफ द टाइम ये नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। कितना टाइम हुआ था शादी को? लगभग 2019 में शादी हुई थी, 22 फरवरी में। लड़की के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। एक लड़की अपने मायके में इकलौती बहन थी, जिसके दो भाई थे। दोनों भाइयों का बुरा हाल है और पिता की तबीयत खराब है। अब ये GDB हॉस्पिटल में मोर्चरी में आए हुए हैं, जहां डेड बॉडी लेने का इंतजार कर रहे हैं।